हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये घटना अंकिता नाम की एक लड़की की है जिसकी उम्र महज 20 साल की थी। अंकिता बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती थी और अंकिता की आस्था भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। अंकिता हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही अंकिता के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया जिसको अंकिता भी मनाती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब अंकिता पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद से अंकिता की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया। ऐसे में अंकिता भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया जिससे अंकिता बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। अंकिता को तैरना नहीं आता था जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी अंकिता को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उससे कहने लगी कि हे मेरी माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में अंकिता को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी जिसने अपना हाथ अंकिता को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से अंकिता की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने अंकिता को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के लोग वहां आए और अंकिता को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और अंकिता को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर अंकिता ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहां तक पहुंच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद अंकिता को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहाँ से अब जा चुकी है। कुछ देर बाद अंकिता के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर अंकिता खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। दोस्तों बता दें कि राजस्थान के गाँव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था
उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की एक बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए कि ये आदमी अपने बुढ़ापे में पागल हो रहा है, ऐसा कभी हो सकता है कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे। परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी, उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना काम खत्म कर वो वापिस अपने घर की ओर निकल गया। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु वो ऊपर आने में असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन हैं आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा कि किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी लेकिन उसके पास पहले पहुंच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे कहकर वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने मुझे कैसे अकेले ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही बच्ची न जाने कहां गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्चे का रूप धारण करके उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। फिर वो वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर में गया, माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। प्यारे दोस्तों, अंबे माँ तभी खुश होती है जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता है, वो सर्वोच्च ऊर्जा है जहाँ से अन्य सभी ऊर्जाएं साक्षायन निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आम तौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती है। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू कवदिंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।